कोरोना काल के प्रारंभिक दौर से ही कोरोना वॉरियर्स घोषित किए जा चुके एलपीजी सिलेंडर की घर घर डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय एक बड़े कोरोना कुरियर की भूमिका निभा रहे हैं। जहां सरकार और प्रशासन शहर में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए तमाम प्रयास और दावे कर रही है, लेकिन अब तक घर के किचन में घुसकर गैस सिलेंडर पहुंचाने वालों को लेकर लापरवाही बढ़ती गई है, जिसके परिणाम भी चिंताजनक आ रहे हैं। ऐसे में वैक्सीनेशन से लेकर अन्य कई सवाल उठ रहे हैं, साथ ही में जिसके जवाब किसी भी जिम्मेदार के पास नहीं है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की कुल आबादी 30 लाख से ज्यादा है और अनुमान के मुताबिक हर रोज करीब 35,000 घरों में सीधे एलपीजी सिलेंडर पहुंचते हैं, जिसकी डिलीवरी करने के लिए शहर की 70 गैस एजेंसियों में कार्यरत 2000 से ज्यादा डिलीवरी बॉय करते हैं। अब जब कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार और जिला प्रशासन तमाम दावों के साथ ही प्रयास भी कर रही है और प्रशासन ने तो इंदौर पर केंद्रित करने के साथ ही शहर भर को सैनिटाइज करने और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने में लगा रखा है, साथ ही में वहीं दूसरी ओर घर में एलपीजी सिलेंडर पहुंचाने वालों पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शहर के 2000 से ज्यादा डिलीवरी बॉय और गैस एजेंसीज में काम करने वाले कर्मचारियों के वैक्सीनेशन को लेकर भी प्रशासन और सरकार सजग नजर नहीं आ रही है। लिहाजा सवाल ये उठ रहा है कि कोरोना के फ्रंटलाइन वॉरियर्स का दर्जा प्राप्त डिलीवरी बॉयज कहीं संक्रमण को स्प्रेड तो नहीं कर रहे हैं और कहीं वह किसी कंटेनमेंट जोन या सामान्य घर से कोविड-19 के संक्रमण का शिकार तो नहीं हो रहे हैं। बस यही सवाल ऐसा है जो कि शहर की चिंता का सबब है। प्रशासन और सरकार अनलॉक की कोशिश कोरोना प्रबंधन और साथ ही में नियंत्रण कद फॉर्मूले पर कर रही है, लेकिन इस फॉर्मूले में संभावित सुपर स्प्रेड सिलेंडर डिलीवरी बॉय की ओर किसी का ध्यान अब तक नहीं गया है, जो एक बड़ी खामी है। एलपीजी एजेंसी के संचालक पंकज जैन ने तो इस मामले में चौंकाने वाली बात बताई है। उनकी माने तो पिछले साल एक डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी, तब केवल 3 लाख के रुपए की मदद प्रशासन ने अपने कर्तव्य को पूरा कर उसके बाद किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इतना ही नहीं, घर घर जाने वाले डिलीवरी बॉय को लोगों से उन्हें संक्रमण का खतरा रहता है, ऐसे में उनके टीकाकरण के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर बताया कि पेट्रोलियम मंत्री ने इनको कोरोना वायरस का दर्जा दे रखा है, इनके अभी तक क्या सुविधाएं दी उन्होंने? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। इवन वैक्सीनेशन जो लगना चाहिए था इनको प्रायोरिटी पे, वो भी नहीं लगा अभी तक। और बाकी की सुविधा की बात तो अपन छोड़ ही दें आगे, क्योंकि कोरोना वायरस के हिसाब से जो सुविधा इनको देना चाहिए थी वो कुछ मिली नहीं है। उसकी वजह से अभी तक हमारे करीब 5 से 6 डिलीवरी मैन की डेथ हो चुकी है और कई संक्रमित हो चुके हैं। कितने लोग काम कर रहे अभी टंकी की डिलीवरी? टंकी की डिलीवरी के लिए इंदौर में करीब करीब 2000 लोग काम कर रहे हैं और उसके अलावा ऑफिस का स्टाफ है, मैनेजर्स हैं, ये सभी उन्हीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं। केस आती है तो केस हैंडलिंग करना है, बैंक जाना है तो कहीं ना कहीं किसी के संपर्क में आते ही हैं लोग, और उसी की वजह से ये भी कैरियर बने हैं, प्लस इनको भी कहीं से बीमारी लग रही है। आपने इसके लिए क्या कदम उठाए? हमने सभी लोगों को जो भी अथॉरिटीज थे उनको सबको लेटर दिए, लेकिन अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब थोड़ा सा हमें लगा कि अब कुछ होने वाला है। अभी वैक्सीन को भी वैक्सीन अभी हमारे हिसाब से ही हमने जिन लोगों ने स्लॉट बुक करके वैक्सीन लगवाई है उन्हीं की वैक्सीन लगी है, अलग से कैंप लगा के या इस तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई। कोई इनके लिए अलग से कोई शिविर लगाया हो कि जो कुछ भी? कोई शिविर नहीं लगा। वायरस के लिए ऐसे अलग से लगता ना, वॉलंटियर के लिए कुछ भी नहीं लगा। जो सुविधा मिलना चाहिए थी कि प्रायोरिटी बेसिस पे इनको लगना चाहिए था, वो अभी तक इनको सुविधा नहीं मिली है। आपने अपनी तरफ से इनके लिए क्या किया हुआ? हम उनको मास्क, सैनिटाइजर्स ये सभी प्रोवाइड कराते हैं, उनको सतर्क करते हैं कि भैया व्यवस्थित तरीके से घर जाओ तब नहा लो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं ये क्योंकि इनकी अंदर घर तक डिलीवरी देना रहती है उसकी वजह से, और कई कंटेनमेंट जोन में भी ये पूरे टाइम डिलीवरी करते रहे पूरे कोरोना काल में। कितने लोग हैं टोटल इंदौर के अंदर जो इस तरह का काम कर रहे हैं? करीब डिलीवरी मैन 2000 के आसपास हैं और ऑफिस स्टाफ और ये सब पकड़ लेते तो करीब 3000 लोग के आसपास हैं। आपका नाम बताएं?
सुशील जैन, FLDI का मैं प्रेसिडेंट हूँ MP इकाई का। इधर फेडरेशन ऑफ LPG डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ इंडिया की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष सुशील जैन ने बताया है कि अब 5 लोग डिलीवरी बॉय की मौत कोरोना से हो गई है। हर एजेंसी पर करीब 3 डिलीवरी बॉय कोरोना की चपेट में आए हैं। यही वजह है कि वॉरियर्स की कोरोना करियर बनते जा रहे हैं और साथ ही में इस मामले में प्रशासन, मंत्री, सांसद सहित सरकार को कई दफा शिकायत की जा चुकी है, लेकिन किसी का ध्यान इस ओर नहीं है। पता है कोरोना वायरस का दर्जा दे रखा है डिलीवरी बॉय को, तो अभी तक इन लोगों को वैक्सीन तक नहीं लगे, आपने क्या किया है? वैक्सीन नहीं लगी, हमने तो हमारी तरफ से सारी तरफ कोशिश भी करी, हम फूड ऑफिस में भी गए थे, कलेक्टर ऑफिस भी गए हैं, सभी जगह बोला भी है। लास्ट ईयर भी हमारे कोरोना मतलब से एक डिलीवरी की डेथ हुई थी, तब कलेक्टर साहब ने हमको एक 3 लाख का चेक दिया था उस टाइम पे, पर उसके बाद से अभी तक किसी कोई सुविधा या कुछ भी चीज़ें किसी भी डिलीवरी मैन के लिए नहीं की गई है या ऑफिस स्टाफ के लिए नहीं की गई है। अभी वैक्सीन कितने लोगों को लगी है जो काम कर रहे हैं? वैक्सीन हर एजेंसी में 2-2, 3-3 लोगों को लग चुकी है, जो अपने स्लॉट बुक करके लगा रहे हैं कोशिश कर करके, तो स्लॉट में कभी बुक हो पाता है नहीं हो पाता है, तो पिछले 10-15 दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं और जैसे जैसे बुक होता है वैसे वैसे लगवा रहे हैं हमारी कोशिशों पर। अच्छा, सरकार की तरफ से कोई अलग से शिविर वगैरह लगाया इनके लिए? नहीं, सब कुछ भी नहीं किया गया है अभी तक, कोई केंद्र सरकार के आदेश लगना चाहिए पर अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमने तो हमारी तरफ से मतलब सांसद महोदय को बोला है, हमारे मंत्री जी उनको भी हमने लेटर दिया हुआ है और ये सभी चीजें करी हैं, पर कभी कहीं किसी की तरफ से कोई भी अभी तक स्टेप नहीं लिया गया है। कई लोग संक्रमित भी हो चुके हैं, बहुत सारे मतलब हर एजेंसी में समझे कि 2-3 तो डिलीवरी मैन संक्रमित हो ही चुके हैं करीब करीब, और 2-4 मतलब कम से कम 5-7 डिस्ट्रीब्यूटर भी ऐसे हैं जो संक्रमित हो चुके हैं, और पिछले साल तो एक की डेथ भी हुई है संक्रमण की वजह से डिस्ट्रीब्यूटर की भी। इंदौर में कितनी एजेंसियां और कितने लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे फील्ड में? इंदौर में टोटल 45 एजेंसी हैं और करीब करीब आप समझे कि हर एजेंसी में 10-15 लोग रहते हैं, तो आप 3,500 कस्टमर मतलब 3,500 वर्कर हर एजेंसी में होंगे टोटल इंदौर में। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? अभी हमने हमारी तरफ से जो संस्था एसोसिएशन उसकी तरफ से एक लेटर दिया गया है कि अगर ये जल्दी नहीं होती, कार्रवाई जल्दी नहीं होती है, तो हम फिर कुछ भी सांकेतिक विरोध करने की तैयारी करेंगे। आपका नाम? पंकज जैन। डिलीवरी बॉय के रूप में हर घर चूल्हा जलाने की सेवा करने वाले 2000 से ज़्यादा लोगों के लिए अब तक कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम नहीं बनाया गया है और न ही किसी तरह का कोई कैंप लगाया गया है। यदि प्रशासन और सरकार चाहे तो 2 दिन का कैंप लगाकर वैक्सीनेशन कर दे तो बहुत हद तक कोरोना फैलने से रोका जा सकता है। वहीं वॉरियर्स के तौर पर जो लोग दुनिया छोड़ चुके हैं उन पर भी सरकार की निगाहें करम का इंतज़ार कर रही हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए इंदौर से तबरेज खान की रिपोर्ट।